मुझे लगता है हम जो बच्चे की तैयारियां कर रहे हैं ना, वो हमें नहीं करनी चाहिए। बच्चा, मुझे आपकी बहू के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। Come on, रिफत, तुम रमशा को लेकर कुछ ज्यादा ही एंटी हो गई हो। खुदा के लिए मैनेज करो। एक तो आप और निहाल हमेशा मुझे ही मैनेज करने के लिए कहते हैं, उसे कोई कुछ क्यों नहीं कहता? अरे क्योंकि उसकी और तुम्हारी सोच में बड़ा फर्क है। वो बच्ची है, जज्बाती है, तुम तो समझदार हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। आप उसी की बटरिंग करें जो अब आपकी मंजूरे नजर बन चुकी है। जब से आपने अपने पोते की खबर सुनी है ना, आप तो उस पे निहाल ही हो जा रहे हैं। चलो, तुम कहती हो तो मान लेते हैं। भाई पोते की खुशी में मुझे बहू बहुत अच्छी लगने लगी है। भाई इतना बड़ा तोहफा जो दे रही है, मैं तो बहुत खुशियां मनाऊंगा। अच्छा फिर ठीक है, बनाए मेरे बगैर खुशियां। हाय अल्लाह, इस बीवी का क्या करूं। हवा खा घबरा रही है तो बिल्कुल ठीक है, बस दवाओं के असर की वजह से सो रही हैं। आप भी बैठ जाएं आराम से, ठीक है? 2-3 घंटों में इनके दवाओं का असर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप बेशक इनको ले जाइएगा, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू।